अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टमाटो बटर चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही इजी तरीके से घर होम मेड बनाई जा सकती है, उसकी रेसिपी मैं लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि यह रेसिपी आपको आज की पसंद आएगी और आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली अपने में फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ इसकी रेसिपी क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, 300 ग्राम है, और चिकन में मैंने क्या क्या डाला है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। चिकन में मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और चिकन मसाला थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब इन सबको मैं मिक्स कर दूँ। अब आप देख सकते हैं चिकन में मैंने जितने भी सारे मसाले लिए थे उनको सब मैंने मिक्स कर दिया चिकन के साथ। अब इसको मैं एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इलायची डाल देनी है आपको। उसके बाद आपको डालना है ये मैंने 7 से 8 टमाटर मीडियम साइज के और 20 ग्राम मैंने काजू ले लिए। अब इसको इसमें मुझे डाल देना है और 1 चम्मच मैंने इसमें पोस्ते के दाने भी ले लिए हैं, तो देख सकते हैं आप। अब इनको फ्राई कर लेना है मुझे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा अपने। और इसमें मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी, क्योंकि थोड़ा ही डालूंगी, मैंने चिकन में पहले से ही मसाला लगा के रख दिया है, ताकि आपको मैंने बताया है। अब इसको मुझे कुक करना है टमाटो को, जब तक सॉफ्ट ना हो जाएँ काजू टमाटो और पोस्ते के दाने, फिर गल चुके हैं। अब इनको ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटोज, काजू और जो पोस्ते के दाने थोड़े लिए थे उसका पेस्ट तैयार हो। अब ये ऑयल हो चुका है, इसमें मैं लूँगी ये प्याज का पेस्ट है 1 चम्मच और इसमें 1/2 आधा चम्मच लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये कुक हो चुका है हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों चीज़ कुक हो चुकी है। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, जो मैंने टमाटोज का और काजू का और पोस्ते के दाने का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मुझे कुक करना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा टमाटर जो मैंने उसका पेस्ट बनाया हुआ था उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है और फिर उसके बाद ये मैंने जो चिकन लिया था चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया था। अब चिकन को क्या करना है, एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इस चिकन को अब इसमें ऐड कर देना है। अब ये जो मैंने चिकन को इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा इसलिए फ्राई करना है क्योंकि आपको पता है कि चिकन की जो स्मेल होती है और जो कच्चे मसालों की स्मेल है वो थोड़ी सी ऐसे फ्राई करने से निकल जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ी देर इसको कुक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक चिकन थोड़ा गल रहा है तो हम ये टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था तो इसको देख लेते हैं। ये भी कुक हो चुका है और इसमें अब मैं ऐड करूंगी फ्रेश क्रीम। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये रही फ्रेश क्रीम। तो इस टमाटर के पेस्ट को आपको तब तक इसको कुक करना था जब तक ऑयल ना ऊपर आ जाए। और इसकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन करिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसकी हर रेसिपी देख सकें। तो देख लीजिए ग्रेवी को, आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको नमक है और आप इसका जो टेस्ट है आपको कैसे लग रहा है। अगर कम लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा नमक थोड़ा मसाला ऐड। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन गल चुका है और अब इस चिकन को मैं इस आप देख सकते हैं मैंने इस ग्रेवी में इस चिकन को जो मैंने फ्राई करने के लिए कर रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे और अब इस बटर चिकन में हम बटर को ऐड करेंगे। मैं कम बटर यूज इसमें ऐड करूंगी क्योंकि मैं पहले भी बटर यूज कर चुकी हूँ फ्राई में और उसमें, तो मैं इतना आपको आप जैसा चाहें वैसा ऐड कर सकते हैं इसमें बटर। अब इस बटर को मेल्ट होने, तो चलिए इसको थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देते हैं और 10 से 5 मिनट। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी मोटी लगती है गाढ़ी लगती है तो आप इसमें पानी मत ऐड करिएगा, इसमें आप थोड़ा मिल्क ऐड करिएगा तभी आपकी ग्रेवी का टेस्ट आएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि ये बटर चिकन हमारा
तैयार हो चुका है। ये टमाटो बटर चिकन है, बटर चिकन की रेसिपी अलग है, टमाटर के साथ बटर चिकन की रेसिपी है। बिल्कुल ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटो बटर चिकन बनके बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है, सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी है, लजीज है। आप इसको खाइए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा है। मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी, और आप ये मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।